मैं 2002 से सीएलसी बॉस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो 18-20 साल से जो काम किया, तो मैंने वहां जो देखा वो थोड़ी सी कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना बाड़मेर का जो बेल्ट है, यहाँ का जो स्टूडेंट या जो पेरेंट्स की जो एनवायरनमेंट है वो अन्य से थोड़ी सी डिफर है। यहाँ के बच्चे को केयर करना बहुत जरूरी होता है। जैसे बाहर वाले सिटी के बच्चे को, जैसे जयपुर का है, बड़ा है, शहर का है, वो अंडरस्टूड उसमें बच्चे में खुद होती है, स्टूडेंट में खुद में होती है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट को, क्योंकि ग्रामीण बेल्ट से जाता है, शहर में जाता है, यदि उसको केयर नहीं हो तो वो अपने प्रॉपर जो जिस टारगेट या जिस मंजिल को जाना चाह रहा है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। और वो सीएलसी ही ऐसा प्रोडक्ट है जहां केवल शिक्षा ही नहीं, केवल पढ़ाना ही काम नहीं, पढ़ाने के साथ जो अपने यहाँ के एनवायरमेंट के अंदर जो स्टूडेंट है उसको जो सुरक्षा और एक कवच की जो जरूरत है वो वहां केवल और केवल सीएलसी में ही उपलब्ध हो सकती है। और अपने कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहां से माना कि 1000 स्टूडेंट पढ़ने के गए तो 1000 डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे किसी भी, लेकिन कम से मैं ये गारंटी कह सकता हूं वो अपना यहां से आपने जो स्टूडेंट भेजा है, जो अपना बच्चा भेजा है, वो कम से कम अपने संस्कार सीख के जरूर आएगा। क्योंकि किसी भी कहीं भी कोई कंपटीशन होता है, किसी भी कंपटीशन के अंदर 100% सिलेक्शन कहीं नहीं। आप सीट तो लिमिटेड, जैसे माना कि 17-18 हजार MBBS की है तो ऑल इंडिया से 17-18 हजार ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उसके अंदर बैठने वाले तो 19-20 लाख स्टूडेंट होंगे। तो अपने कम से कम ये है। और दूसरी सिलेक्शन रेशियो आप अन्य से सीएलसी का कंपेयर करें तो सिलेक्शन रेशियो सीएलसी का अन्य किसी भी संस्थान से बेटर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन रेशियो अपना सीएलसी का बेटर है, पढ़ाने के साथ उसका जो संस्कार है, उसका जो देखभाल है वो सीएलसी के अंदर जो है वो अन्य के अंदर कहीं भी नहीं होगी। इसलिए अपन यदि आप स्टूडेंट को यहाँ से बाहर भेजते हैं मेडिकल के लिए या आईआईटी के लिए, तो यहाँ पर तो दोनों तो है, पढ़ाई भी हो, कम से कम उसका देखभाल भी हो, उसका संस्कार भी हो, रहने और करने की भी अच्छी व्यवस्था भी हो, तो उसके लिए मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ आपको सीएलसी से बेटर आपके पास, अपने पास, आपके पास नहीं कह रहा हूं मैं, अपने पास ऑप्शन दूसरा मेरे को तो नहीं दिखता है। आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बोर्ड से मैंने कहा मैं कि यहाँ पर जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर यदि बच्चे को यहाँ से भेजें तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन सीएलसी है। और यहाँ पर मैंने कहा भाई कुछ स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज या कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने वहाँ पर भी ऑप्शन दो ताकि स्टूडेंट ज्वाइन कर सके और उनको भी कुछ लाभ हो सके। तो बॉस ने बात मानी मेरी और बॉस ने कहा बिल्कुल बोलते जिस तरीके से करना पर तैयार हैं। तो यहाँ पर अपन इस सेशन से सीएलसी की जो टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल जो है वो यहाँ पर भी अवेलेबल कराएंगे। जो स्टूडेंट माना कि किसी भी स्कूल के अंदर जा रहा है और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी स्कूल के अंदर सीएलसी की जो आईआईटी की और जेई की जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, तो आप यहाँ से सीएलसी का स्टडी मटेरियल लेना चाहें तो भी यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको अपन यहाँ अवेलेबल करा सकते हैं।